यस स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटी इन यूरोप। क्लियर? यू हैड स्टडीड रशियन रेवोल्यूशन एंड यू हैड डिस्कस्ड दैट हाउ यू नो यू कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन टू प्लेस एंड इन हाउ यू नो इट इन्फ्लुएंस्ड मेनी यूरोपियन कंट्रीज। क्लियर? सो हियर आफ्टर यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन द यूरोपियन कंट्रीज दे वर डिवाइडेड इंटू various types of you know groups, ठीक है, means whole European society was divided into you know various categories. One of them were liberals, radicals and conservatives, right? Whole European society, it was totally divided into these two, three categories. ठीक है? Your, you know, radicals and liberals, they were mill owner and they were employer. ठीक है? They had, you know, huge factories. They had big workshops. They were landowners and big businessmen. Understand? And they had to employ many types of people in their factories. Clear? Means they became capitalist. They were also known as capitalist. They had, you know, huge capitals and they were trying to mold European society. They thought that by means of a, you can say, industrial revolution, we can develop European society. So in this way, the whole European society was divided into liberals, radicals and conservatives. So we will discuss one by one who were liberals, who were radicals and who were conservatives. ठीक है? तो हमारे जो liberals थे, liberals wanted a nation which tolerated all religion. ठीक है? Liberals क्या थे? Liberals. ठीक है? They wanted nation. ठीक है? Which tolerate all religion, right? They tolerated every type of religion in that nation. Okay, this was the view of your liberals. Okay, and what were their European states? They were usually discriminated, right? And finally, they favored religion. Okay. तो वन रिलीजन को फेवर करते थे, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। सेकंड क्या था? दे अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अंडरस्टैंड? मीन्स जो डायनेस्टिक रूलर्स थे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वो रूलर जैसे लुइस 16 दे वर डायनेस्टिक रूलर, लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 16, ठीक है, ये सब क्या हुए? डायनेस्टिक रूलर्स। तो लिबरल्स क्या चाहते थे? दे नेवर लाइक सच टाइप ऑफ रूलरशिप। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारे रूलर्स कैसे आए? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के थ्रू। दे शुड बी अवर इलेक्टेड मेंबर्स, अंडरस्टैंड? एंड हिज रूलर्स दे शुड बी फ्रॉम पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल शुड बी देयर, अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी कैन से दैट ऑल दीज पीपल्स दे वर यू नो अपोज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दे ऑल्सो सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, हर जो इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स है, अंडरस्टैंड? एवरीबडी हैव राइट टू लिव, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये लिबरल्स लोग जो थे ये चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो हमारे फंडामेंटल जो फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करे। दे आर नॉट डूइंग सो, द लिबरल्स दे हैड टू हेल्प देम, मीन्स दे हैड टू
oppose that government by making rallies, by demonstrations, okay, by doing other things, right? So in this way you can say they are for elected parliamentary government. क्या चाहते थे वो? They wanted elected parliamentary government. वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, ठीक है? इसको आप लोग नोट करते चलिए, अंडरस्टैंड? यही आपके नोट्स भी हैं, अंडरस्टैंड? जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास वैसा नोट्स नहीं है, वो इसको नोट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? और बार बार ये सब नहीं कि सब नोट्स भेजिए, नोट्स भेजिए, है कि नहीं? आप इसको नोट्स करते चलिए, ये आपका नोट्स है कि नहीं? सो ऑल दिस थिंग्स दे वॉन्टेड अ वेल ट्रेन जुडिशरी, ठीक है? वॉन्टेड वेल ट्रेन जुडिशरी, ठीक है? लिबरल्स वॉन्टेड दैट जुडिशरी शुड बी वेल ट्रेन, अंडरस्टैंड? जुडिशरी शुड बी प्रॉपरली ट्रेन, देयर शुड बी नो माल प्रैक्टिसेस. माल प्रैक्टिसेस समझते हो? घोटाला. कोई भी जजमेंट हो रहा है तो जजमेंट शुड बी क्लियर, योर जजेस शुड बी वेल ट्रेन्ड, है कि नहीं? तभी तो जजमेंट होगा सही, इजंट इट? सो इन दिस मैनर रेडिकल्स वांटेड अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, ठीक है? एंड दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दे डिड नॉट बिलीव in universal adult franchisee, UAF, United Adults Franchisee. United Adult Franchisee means vote, means people are entitled to give vote at the age of 18 or plus, ठीक है? 18 or 18 plus people are entitled to give vote, but they did not believe in this system. They thought that 18 year people, they don't have good mind. They cannot take clear decision. That's why they thought that there should be more age for decision making. Isn't it? So in this way we can say that all these things. Right? So you have to note down all these things. Iske baad bari aati hai radicals ki. Understand? Radicals. Right? Radicals. What radicals wanted? इन्होंने क्या कहा? They wanted that government should come from majority population. मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये रेडिकल्स चाहते थे, अंडरस्टैंड? गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, क्लियर? जो भी गवर्नमेंट आए दे शुड कम फ्रॉम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है? फिर रेडिकल्स दे सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागीट मूवमेंट, सफ्रागीट मूवमेंट, राइट? व्हाट वाज सफ्रागीट मूवमेंट? यू नो वेरी वेल, ठीक है? सफ्रागीट मूवमेंट, राइट टू वोट, अंडरस्टैंड? वुमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट. मेन वर ऑलरेडी एंटाइटल्ड फॉर वोटिंग, but why women, ठीक है? Women should also get right to vote. So they supported women's suffragette movement, okay? And they also opposed the privilege of great landowners and wealthy factory, you know, workers, ठीक है? Opposed privilege, ठीक है? Of
वेल्दी, ठीक है, लैंड ओनर्स, वेल्दी एंड लैंड ओनर्स, ठीक है, जो इनको प्रिविलेज मिला था, जो वेल्दी लोग होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उनको दे हैड गॉट प्रिविलेज, ठीक है, दिस वॉज यू नो अपोज्ड बाय रेडिकल्स, अंडरस्टैंड, हाँ, और उसके बाद एंड द लास्ट पॉइंट डिसलाइक्ड, ठीक है, दे डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी इन वन हैंड, ठीक है, पावर और प्रॉपर्टी एक हार हैंड में नहीं छुपेगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, किसी एक आदमी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, सारा पावर हो गया, ये कौन सी बात हुई, ठीक है, रेडिकल्स दे नेवर लाइक्ड, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये हमारे जो है दे डिसलाइक्ड, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको राइट करने के लिए एग्जाम में इफ इट कम्स, अंडरस्टैंड, हाँ, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पोर्शन, दैट इज नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन, आई थिंक यू हैव इट, थर्ड वर्क कंजर्वेटिव्स, है कि नहीं, तीसरे कौन थे, कंजर्वेटिव्स, राइट, कंजर्वेटिव्स, ठीक है, दे वर ट्रेडिशनल पीपल, दे वॉन्टेड दैट मोनार्की रूल शुड बी रिस्टोर्ड, ठीक है, दे वॉन्टेड दैट इंस्टीट्यूशंस दैट वर इंस्टॉल्ड प्रीवियसली दे शुड रिमेन, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, वो मोनार्की रूल के सपोर्टर्स थे, अंडरस्टैंड, सो व्हाट वी कैन से दैट दे अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स, पहला काम क्या था, रेडिकल्स एंड लिबरल्स को अपोज करते थे, ठीक है, अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है, ये रेडिकल और लिबरल्स को अपोज करते थे, ठीक है, और उसके बाद इनका क्या काम था कि यस दे वॉन्टेड दैट देयर शुड बी अ चेंज, चेंज इज नीडेड, ठीक है, बट वॉट शुड बी देयर, कंजर्वेटिव अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, ठीक है, सेकेंड क्या था, अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, ठीक है, वो चेंज की जो आइडिया थी उसको एकदम अपोज कर रहे थे, they told that there is no need of any change in European society, why you are going to change, ठीक है, they told that if change is inevitable, ठीक है, then it should be slow, अगर change बहुत inevitable है, अनिवार्य है, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दिस चेंज शुड बी स्लो नॉट क्विकली, ठीक है, दिस चेंज शुड बी स्लोली डन, ठीक है, दे शुड गिवन टाइम टू एडजस्ट देमसेल्फ, नहीं तो सडनली अगर किसी की प्रॉपर्टी हमने छीन लिया, ठीक है, और उसको एकदम लैंडलेस कर दिया, तो उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना क्विक चेंज, भाई इसको टाइम देना चाहिए ना एडजस्ट होने में, कि भाई आपकी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट ले रही है तो थोड़ा थोड़ा लें, एक साल में एक बीघा, दो बीघा, तीन बीघा, धीरे धीरे ले, तब उसको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, और सारा उसकी से छीन लिया तब तो बेचारा पागल हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि ऑल दीज चेंजेस शुड बी डन बाई स्लो प्रोसेस, ठीक है, तो इन दिस मैनर फ्रेंच रेवोल्यूशन टू प्लेस
Various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and the potential of their differences. Now we will discuss industrial society and social change, the new topic. Okay? Industrial society and social change. Industrial society and social change. How industrial society came? How social change took place? Okay? You found that in 19th century, industrial revolution took place in Europe. Understand? And many types of industries, they sprung up. Understand? And they started cultivating, they started manufacturing goods, especially cotton textile, okay? And iron and steel, coal manufacturing. Yes, stand up. Any question? अच्छा, रिपीट कर दीजिए. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हाउ इट डेवलप. ठीक है, व्हेन यू नो इंडस्ट्रीज दे स्टार्टेड कमिंग इन यूरोपियन कंट्रीज, देन व्हाट हैपेंड, पीपल फ्रॉम रूरल एरिया they started joining these factories. ठीक है, means industries became magnet. ठीक है, and it attracted workers like a magnet. ठीक है, and they flew from their village area and they directly joined these industrial units. ठीक है, तो when they will join, then what will happen, urbanization will take place. ठीक है, there is factory, workers are coming, they join, then they will live there. Where they will live? Near the factory. Okay? So directly they don't have home, they don't have any type of infrastructure, then what will they do? They have to spend their nights. Okay? So they used to spend their nights on road in open air. They had to cook their food in open air. Okay? They have to spend their nights. Understand? And many people, they have to spend their nights by making singing, dancing. Understand? And later on sleeping. Okay? People had to live in dormitories. Okay? They had various places where they had to live. Clear? Means when the beginning of industry took place, industrial society came, at that time there was miserable condition. People had no houses. There was a problem of housing and sanitation. Understand? They had to live in open area. In such a manner, they were suffering from various ailments, diseases, illness. Okay? That's why their skill means that was challenged. Their efficiency was reduced. And these people, they could not, develop. Okay? So here we will see that new cities came and industrial region developed. Pahla kaam kya hua? New cities came. Theek hai? New cities came and industrial area developed. Area developed. Theek hai? And it became a city. Theek hai? People will first make their slums, after that when they have surplus amount, they will make their infrastructure, they will make their houses, they will purchase piece of land, they will make their houses, start living. When they will start living, their people will install shops, various types of shops will be there. Here after a few days, there will be special provision. पब्लिक सिस्टम, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस बन जाएगा, है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस के बाद स्कूल खुल जाएगा, स्कूल खुलने के बाद वहाँ पे मार्केट बन जाएंगे,
तो वो क्या बन गया, सिटी बन गया कि नहीं बन गया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप, बट देयर वाज चैलेंजिंग कंडीशन। ठीक है, यह पीपल मीन्स रेलवे एक्सपैंडेड हुआ है कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन डेवलप हुआ, रेलवे एक्सपैंड हुआ एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आकर। ठीक है, यहाँ रेलवे भी एक्सपैंड हुआ, रेलवे एक्सपैंडेड। ठीक है, लोग रेलवे लाइन बिछाने में काम करते थे, स्लीपर्स वगैरह है ना, रेलवे ट्रैक बनाने में पीपल हैड टू वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या हुआ, वहाँ की सोसाइटी जो थी इट बिकेम अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पीपल स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर मीन्स इंडस्ट्रियल वर्क, नाउ दे हैव लेफ्ट एग्रीकल्चरल वर्क। तो सोसाइटी हमारी क्या बन गई, इट बिकेम अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज। ठीक है, क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने नोट्स नहीं बनाना है, बनाया लिखिए इसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वुमेन टू फैक्ट्रीज। ठीक है, उनको फैक्ट्रीज तक खींच के लाया, मैन एंड वुमेन को। ठीक है, वुमेन वर ऑल्सो वर्कर, मैन ऑलरेडी वर्किंग, वुमेन भी वर्क करने लगी, तो उनके चिल्ड्रेन भी आएंगे उनके साथ, है कि नहीं, उनको अकेले थोड़ी घर छोड़ देंगे, तो भी साथ आएंगे। तो इन दिस मैनर यू हैव गॉट स्पेशल थिंग। ठीक है, इनके साथ क्या था, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वर्किंग आवर्स लॉन्ग। ठीक है, इनके वर्किंग आवर्स क्या थे, लॉन्ग, वेजेस पुअर, वेजेस कैसे थे, वेरी पुअर। ठीक है, एंड वर्किंग कंडीशन कैसी थी, वर्किंग कंडीशन वेरी पुअर। ठीक है, और भी पुअर थी, ये सब प्रॉब्लम्स थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। ठीक है, ज़्यादा देर तक काम करवाते थे, 18-18 घंटे तक। ठीक है, वेजेस के नाम पे जीरो, ठीक है, पैसा नहीं देना है, बड़ी मुश्किल से 10-20 रुपया थमा देते थे। ठीक, वर्किंग कंडीशंस जहाँ रहते थे काम करते थे, कोई साफ सफाई नहीं, ठीक है, बिजली तो था ही नहीं, पसीने पसीने होके काम कर रहे हैं। ठीक है, और पता लगा आसपास में सब वैसे ही है, बैठने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा वहाँ की कंडीशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कॉमन बात थी। ठीक है, और इस तरीके से हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, फिर हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर्क पुअर। ठीक है, एकदम पुअर कंडीशन थी हाउसिंग एंड सैनिटेशन की कंडीशन, इट वॉज वेरी पुअर, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट देयर वॉज प्रॉब्लम्स इन टाउन। ठीक है, इट ग्रू रैपिडली, है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी टाउन्स में, सिटीज में, अंडरस्टैंड। यस सर, तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशूज। ठीक है, जो भी लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, लेबर लैंड फैक्ट्री ओनर, वही तो मिल ओनर थे, वही काम कराते थे, अब वही तो सोल्यूशन ढूंढेंगे कि भाई हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमें हेल्दी वर्कर चाहिए, हेल्दी वर्कर करवाएंगे, जब उन्हें हम अच्छा सैनिटेशन प्रॉब्लम हाउसिंग फैसिलिटी देंगे, उनकी सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन की देखभाल करेंगे, देन दे विल हेल्दी, है कि नहीं, एंड दे विल डू यू नो एफिशिएंट वर्क, उनका वर्क क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, बट इफ दे आर अनहेल्दी तो प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। वही अगर 10 आपके क्या कहते हैं, इफ देर आर 10 पीपल हु आर यू नो एंगेज इन वर्क, अंडरस्टैंड, इफ दे आर हेल्दी देन दे विल प्रोड्यूस 1000 मीटर क्लॉथ, इफ दे आर अनहेल्दी देन दे विल प्रोड्यूस ओनली 500 मीटर क्लॉथ, देयर व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, प्रोडक्शन इज वेरी लो, इजंट इट। सो दिस क्रिएटेड अ यूनिक कंडीशन इन यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर्क प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स
अभी मैंने बताया कि जो लिबरल्स हैं एंड और भी जितने लोग हैं दे आर लैंड ओनर्स, ठीक है, एंड मिल ओनर्स, ठीक है, तो उन्हीं के पास सारे वेल्थ जाती है, ठीक है। इन दिस वे दे अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, ठीक है, और लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये बिल्कुल अपोज करते थे कि जो हमारे किंग वगैरह हैं जो मोनार्की रूलर्स हैं उनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिलना है, ये सब कब तक चलेगा, ठीक है। तो दे फॉर्मली बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट लेबर एंड एंटरप्राइज, वो चाहते थे कि हर इंडिविजुअल की ने जो एफर्ट किया है उसकी वैल्यू है कि नहीं। एक लेबर अगर एफर्ट कर रहा है तो ही इज वैल्यूएबल, है कि नहीं, एंड हु इज डूइंग नथिंग स्टिल दे आर अर्निंग लार्ज प्रॉफिट पोर्शन, है कि नहीं। जो हमारे मिल ओनर है आराम से शाम से बैठे हुए घूम रहे हैं इधर उधर, और प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट किसके हाथ में जा रहा है, लैंडलॉर्ड मिल ओनर के पास, और वर्कर्स का क्या हाल है, स्टिल मिजरेबल, है कि नहीं। वो पीपल्स दे आर एक्स्ट्रा बैगेंट, दोज पीपल हु आर मिल ओनर एंड यू नो रिच बिजनेस मैन दे आर एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट जानते क्या होता है, फिजूल खर्ची करना, ठीक है। उनके बच्चे यहाँ वर्कर्स के बच्चे हैं उनको आइसक्रीम नसीब नहीं हो रहा है, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के बच्चे हैं वो कह रहे हैं आइसक्रीम वाला आया, हाँ आइसक्रीम दिखाओ, उसको देखे ऐसे किए फेंक दिए, दूसरा निकालो, उसको टेस्ट किए नो टेस्ट फेंक दिए। तो ये एक्स्ट्रा वैगेंट फिजूल खर्ची इसको कहते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में पैसा खर्च करते थे। और जो वर्कर्स के बच्चे बेचारे वहीं ड्रेन्स के किनारे मिजरेबल कंडीशन में टाटर्ड क्लॉथ में दे हैड टू वॉच ऑल दीज इंसिडेंट्स, तो उनको पेन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये एक यूरोपियन सोसाइटी का एक मिजरेबल कंडीशन इन दिस पीपल्स टाइम, ओके। सो सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू काइंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। वो चाहते थे देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन होना चाहिए इसके लिए, ये सारे सिस्टम हमारे चेंज हो जाने चाहिए यूरोप में, है कि नहीं। तभी हमारे जो पुअर पीपल हैं एकदम लोअर पीपल्स हैं दे विल गेट इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उनका खुद का डेवलपमेंट होगा, तभी उनके वेजेस कब बढ़ेंगे, व्हेन देयर इज रेवोल्यूशन। हमारे कैपिटलिस्ट दे आर टेकिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम वर्कर्स, ठीक है, प्रॉफिट इज मेड बाय वर्कर, है ना, बट दे आर गेटिंग वेरी स्मॉल वेजेस एंड द लैंडलॉर्ड्स दे आर डूइंग नथिंग एंड दे आर इंजॉइंग द लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर, इजेंट इट। तो वट हैपेंड, देयर शुड बी अ रेवोल्यूशन, उन्होंने कहा एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, और हमारी सारी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इट शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, एवरीबडी हैड टू डू कलेक्टिव वर्क, सब लोग एक कम्यून बना करके वर्क करें, ठीक है, एंड द प्रॉफिट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फैक्ट्री हो 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 आपके जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में है, 60 हो गए, सारे लोग वर्क करें, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाए, जिससे वर्कर्स को भी मिले, है कि नहीं, उनको भी मिले, तब तो सेटिस्फाइड हैं, तब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। दिस वॉज द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, और दिस गेव बर्थ टू सोशलिज्म इन यूरोप, यहीं से यूरोप में सोशलिज्म आया, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग चैप्टर्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट आर्टिकल्स, ओके। सो आई थिंक पीरियड इज ओवर, सो आई एम टू कंक्लूड दिस लेक्चर टूडे।